कोरोना के कहर से हर आम और खास परेशान है। ऐसे बेसहारा गरीब और लाचार लोगों की मदद के लिए कई हाथ आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में यवतमाल जिले के दिग्रस शहर के दिग्रस एक्सप्रेस ग्रुप ने एक पूरी जास्तीची इस पहल का आगाज किया है। इस वजह से जरूरतमंदों तक खाने की शक्ल में मदद पहुंचाई जा रही है। इन दिनों सारी दुनिया कोरोना कहर की वजह से लॉकडाउन में है। कल तक विकसित राष्ट्र और सुपर पावर का तमगा प्राप्त शक्तिशाली देश भी आज कोरोना प्रकोप के आगे घुटने टेकते नजर आ रहा है। ऐसे में बावजूद बड़ी आबादी वाले हमारे देश में कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए हर स्तर जारी कोशिशों में सकारात्मक उम्मीद लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। हालांकि देश का मजदूर वर्ग इस विकट घड़ी के चलते रोजगार से वंचित है, तो वहीं हर गांव और शहर का अनाथ, बेसहारा और गरीब तबका अब भी दो वक्त की रोटी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में है। इनकी मदद के लिए कई हाथ व्यक्तिगत और संगठन की शक्ल में जरूरतमंदों के लिए सक्रिय हो चुके हैं। इसी तर्ज पर यवतमाल जिले के दिग्रस शहर के दिग्रस एक्सप्रेस ग्रुप ने आगे आते हुए समाज सेवा की नई मिसाल कायम की है। ग्रुप के सदस्य रोजाना दोपहर को घर घर जाकर शहर वासियों से ताजे खाने को इकट्ठा करते हैं और शाम तक जरूरतमंद तक उसे पहुंचा देते हैं। इस पहल को दिग्रस वासी भी बढ़ चढ़ कर प्रतिसाद दे रहे हैं। नमस्कार सब दोस्तों को, दिग्रस वासियों को। दिग्रस एक्सप्रेस ने जो भी काम उपक्रम चालू किया उसके लिए हम उनका सहमत है, और जो गरीब लोगों को जो आना धन्य जो पहुँचा रहे उन लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और हर दिग्रस वासियों की जवाबदारी इनको सपोर्ट करना चाहिए। इनका उपक्रम बहुत अच्छा है और मैं दिल से इनको दिग्रस एक्सप्रेस ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे काम आगे भी करते रहे हो। गौरतलब है कि इस पहल में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी उत्साह के साथ योगदान दे रही है। घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए शहर के जरूरतमंदों तक समय पर खाना पहुंचाने में गृहिणियां अहम किरदार निभा रही है, और विपदा की इस घड़ी में दिग्रस एक्सप्रेस ग्रुप की इस पहल से उन्हें भी इस कार्य से जुड़ने का मौका मिलने की वजह से महिलाओं ने ग्रुप की प्रशंसा की है। जे संकट आलं आहे कोरोनामुळे, त्याच्यामुळे सगळेजण घरात बसूनच सगळं कार्य करताय आणि कोणाला बाहेर जाऊन दोन पैसे कमवता येत नाही, पण अशा लोकांना जर आपण आपल्या घरून दोन म्हणजे एखादी पोळी एक्स्ट्रा करून जर त्या गरिबांपर्यंत पोहोचत असू तर त्यांचं उदरनिर्वाह होऊ शकते, पण तेवढं आपण पूर्ण करणार नाही, पण तरीही त्या लोकांना थोडीशी आपली पूर्ण फुलाची पाकडी आपली मदत त्यांना पोहोचलं त्यांच्या घरापर्यंत आणि त्यांचं उदरनिर्वाह होईल थोडंफार, जास्त नाही पण थोडंफार तरी। इस उपक्रम को सफल बनाने के लिए अफजल खान, अजिंक्य मात्रे, केतन रत्न पारखी, सुरेश चिरडे, विनायक दुधे, अरबाज धारीवाला, लोकेश शुक्ला, ऋषिकेश हिरास, चेतन श्रीवास, निखिल मुंडलिक, सैयद नदीम, पूनम पटेल और अक्षय जायसवाल प्रयासरत है, और इनके प्रयासों को सफलता भी मिल रही है। उपक्रमामध्ये जे रंजले आहेत, जे गांजले आहेत, त्या लोकांच्या दारापर्यंत हा संपूर्ण ग्रुप, हे माझे समाज बांधव या संकटकालीन महामारीमध्ये त्यांचं सहाय्य करत आहे, हे खरोखर अतुलनीय आहे। म्हणूनच त्या सर्वांचे कौतुक मी स्वतः करू इच्छिते। एवढंच नव्हे तर आमचे आईवडीलसुद्धा यामध्ये आनंदाने सहभागी होत आहे आणि यामध्ये सहभाग नोंदवितांना आम्हाला खूप खूप आनंद होत आहे। गेल्या 21 दिवसापासून हा जो उपक्रम चालू आहे हा अतिशय प्रशंसनीय आहे, त्याबद्दल मी सर्व माझ्या सर्व बांधवांचे खूप खूप धन्यवाद। दिग्रस शहर ही नहीं, आसपास के परिसर में भी इस पहल का लोगों ने स्वागत किया है। दिग्रस एक्सप्रेस ग्रुप पर किस तरह से समाज सेवा की इस कारगर तरकीब की शुरुआत हुई और शहर के सभी समाज के मान्यवर और इच्छुक लोग आगे आए और कैसे ये सिलसिला बढ़ता गया, इस बारे में पत्रकार सुरेश चिरडे ने जानकारी साझा की। संकल्पना आली, जर आपण एक आव्हान जर केलं आपल्या ग्रुपच्या माध्यमातून, ज्या ग्रुपमध्ये 250 मेंबर आहेत, त्यांना जर आपण आव्हान केलं की तुम्ही जे घरी बनवता अन्न, त्यापैकी एका जणाचं अन्न जर तुम्ही बनवलं तर आपल्या दिग्रसमधले असंख्य लोक ज्यांना अन्न मिळत नाहीत त्यांच्यापर्यंत अन्न पोहोचवेल। आणि पाहता पाहता आम्ही ग्रुपवर हा एक सर्व साधा मेसेज टाकला की अशी आमची संकल्पना आहे,
या संकल्पनेतून जर तुम्हाला मदत करायची असेल गरिबांची आणि गरजवंतांची तर आमच्यासाठी फक्त एक पोळी तुम्ही जास्त करा. आणि बघता बघता पहिल्या दिवसपासून 60 ते 70 लोकांना आम्ही हा भोजनाचा डब्बा त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकलो. आणि बघता बघता ही सर्व दिग्रसमध्ये दिग्रस शहरामध्ये दिग्रस तालुक्यामध्ये याची ही चर्चा झाली. आणि चर्चेचा फायदा असा झाला की दिग्रसमधले अनेक मान्यवरांचे आम्हाला कॉल आले आणि फोन आले आणि त्यांनी सांगितले की आमच्या घरचासुद्धा हा डब्बा तुम्ही घेऊन जा. आणि आज बघता बघता आम्ही 600 ते 700 लोकांना हा डब्बा आम्ही पुरवतो. थँक्यू. भूके को खाना खिलाना और जरूरतमंद को समय पे जरूरी मदद पहुंचाना यह बेहद नेक काम है. और इस नेक काम के बारे में युवा नगर पालिका उपाध्यक्ष अजिंक्य मात्रे बताते हैं कि लॉकडाउन के चलते दिग्रस में बेरोजगारी की मार झेल रहे मजदूर गरीब और बेसहारा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए शुरू की गई पहल से ग्रुप के सदस्य सक्रिय रूप से जुड़ते गए और एक के बाद एक लोगों का सहयोग भी बढ़ता गया. दिन भर की दौड़ धूप के बाद जरूरतमंद तक खाना पहुंचाने में एक अजीब सी खुशी का एहसास मिला जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है. जो गरीब परिस्थिति में के लोग हैं, जो रोज अगर काम पे नहीं जाए तो उनको खाने को नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए हमारा दिग्रस एक्सप्रेस करके व्हाट्सएप का ग्रुप है. इस ग्रुप के जरिए हमने जो कुछ सदस्य थे उनके साथ फ़ोन पर कांटेक्ट किए और ये जो आइडिया है उसमें से हमने वो आइडिया हमारी बाहर आई कि एक पोड़ी जास्ती ची ये जो उपक्रम है वो हम सब ने मिल के इस पर चर्चा की और बहुत ही अच्छा उपक्रम था. तो इसलिए हमने इसकी पहले कम तादाद में शुरुआत की, पहले 10-12 लोगों की ही डब्बे लिए और बाद में वो डब्बे जब हम गोर गरीब लोगों के तक पहुँचाते थे उनका खाना होने के बाद जो समाधान हमको मिलता था वो मैं बता नहीं सकता. कुल मिलाकर दिग्रस एक्सप्रेस की पहल ने शहर के नागरिकों को सामाजिक भावना को बढ़ावा देने के लिए जरूरतमंदों की जरूरतों से न सिर्फ वाकिफ कराया बल्कि उस जरूरत को सहयोग मार्ग से पूरा करने के कारगर तरीके से भी रूबरू कराया है, जिस वजह से आज शहर के जरूरतमंद लोग इस पहल से लाभ उठा रहे हैं. कोरोना का संकट सारी दुनिया में आग की तरह फैल चुका है और इससे लड़ने के लिए हर देश और हर हुकूमत अपने स्तर पर काम कर रही है. ऐसे में भारत भी पीछे नहीं. जहां तक दिग्रस शहर की बात है तो यहां पर दिग्रस एक्सप्रेस ग्रुप ने एक पोड़ी जास्ती ची ये उपक्रम चलाया है और इसको काफ़ी सराहना मिल रही है. और इस वजह से ही यहाँ पर जो गरीब मजलूम और मजबूर लोग हैं उनके पेट की आग बुझाने का काम इस ग्रुप द्वारा की जा रही है. दिग्रस से NBCN न्यूज़ के लिए जुबैर खान,